बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ अरबी पराठा, जिसके लिए मैंने कीमा लिया आधा किलो, चॉप प्याज लिए दो अदद, लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, गरम मसाला है पिसा, नमक है और लाल मिर्च है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं कढ़ाई के अंदर 1/4 कप ऑयल डालूँगी और इसके अंदर मैंने दो अदद दरमियानी प्याज चॉप किए वो डालूँगी और इसको अब हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। अब ये प्याज जो है हल्की फ्राई हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे कीमा आधा किलो। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून नमक या हसबे जायका, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी, 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। और अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी कि कीमा गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए उस वक्त तक। अच्छा, अब ये कीमा जो है अब रेडी हो चुका है, अब इसको हम चूल्हे को ऑफ करेंगे। अब इस कीमे को मैं बाउल में निकाल लूँगी। अब ये सारा कीमा जो है मैंने बाउल में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ये 2.5 कप मैंने मैदा लिया है पराठे बनाने के लिए। अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून पर मैं घी डाल रही हूँ। मैं तो पहले मैं मिक्स करूँगी। तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने नीम गरम दूध लिया है। मज़ीद इसको गूंदने के लिए हम थोड़ा पानी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। हमारा डो अब गुन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा घी लगा के और 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अच्छा, तो अब मैं पराठे बनाना शुरू करती हूँ। तो हमारा डो को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा कीमा भुन चुका है। अब मैंने टमाटर चॉप करके रखे, हरी प्याज के ग्रीन पार्ट्स चॉप किया हुआ है, चाट मसाला लिया है, 3 अंडे मैंने फेंट लिए और ये मैंने खुश्की लिए। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब आटे को हम पेड़े बनाएंगे। सबसे पहले अभी पराठे जो होते हैं ना वो ज़्यादा मोटे नहीं होते, वो छोटे और पतले होते हैं। इसके हम पेड़े सारे बना लेंगे पहले। ये हमारे सारे पेड़े बन चुके हैं। अब मैं पराठे बेलना शुरू करती हूँ। ये पराठा बिल गया, अब इस पे हम सबसे पहले कीमा रखेंगे सेंटर में। अब इसके ऊपर चाट मसाला जितना आप पसंद करें। इसके ऊपर मैं डालूँगी अंडा। अच्छा, आप चाहें तो पूरा अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा डाल रही हूँ अंडा। इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर
इसके ऊपर डालेंगे हरी प्याज। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पराठे अब मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। इस पराठे को लो फ्लेम पे फ्राई किया जाता है, सही है, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए।
अब इसी तरह मैं सारे पराठे तल लूँगी। हमारे ये पराठे रेडी हो चुके हैं और अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।